हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो देखिए, साइबर क्राइम इज अप बाय 25%। फ्रॉड मोस्ट कॉमन मोटिव एनसीआरबी डेटा। तो फ्रॉड करने का तो मोटिव है क्योंकि पैसा नहीं है लोगों के पास, और कुछ लोगों के पास बहुत पैसा है। तो साइबर क्राइम सॉ स्टीप 24% राइज इन 2022, फ्रॉड एक्सटॉर्शन एंड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन अकाउंटिंग फॉर मोस्ट अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी डेटा। अदर क्राइम सच इकोनॉमिक ऑफेंसेस, क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड सीनियर सिटीजन्स ऑल्सो इंक्रीज दी कंपेरिजन विथ 2021। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, क्राइम इन इंडिया रिलीज संडे दैट देर हैज बिन एन ओवरऑल इंक्रीज ऑफ 141% इन साइबर क्राइम केसेस इन द लास्ट 5 years। द राइज हैज बिन स्टडी फ्रॉम 27,248 दैट ईयर टू 44,735 इन 2019 टू 50,000 केसेस इन 2020। In 2022, there was 65 cases registered under the cybercrime category against the previous year 52,000 cases. The report said, of this 64.8% of fraud, 5.5% extortion and 5.2% of sexual exploitation. Cybercrime against women, cyber pornography, hosting, publishing, obscene sexual accounted for 14,409 cases, that is 21.8%, while 1,823 cyber crimes, that is 2.7%, were reported against children, the data showed. While Telangana tops the list with 15,097 cases, Karnataka saw 12,556 cases and UP 10,170 cases. The crime rate per lakh population under this cyber crime category has increased from 3.9 in 2021 to 4.8 in 2022. The report said, adding that the rate was out using the mid-year projection population of state UTs for 2022 based on 2011 census. Indian cyber cell have more than 69,000 cases investigated pending reported during the year and reopened cases. While the charge sheeting rate in cyber cases is only 9.3% across states, the report said. It said more than 25,000 men and 500 women were arrested last year for cyber frauds. The other crime against women, children, cruelty, abduction also increased. Meanwhile, economic offenses rose by 1%, while crime against SCs saw saw a surge of 13.1% compared to the previous year. Case of crime against senior citizen increased 9.3%. Overall, the crime rate registered per lakh population has declined from 445.9% in 2021 to 52.2% in 2022. Each day, over 154 farmers and daily wage laborers end their lives in mainly due to family problems and illness, according to the report. In 2021, it was dosed to 144. Majority of suicides were reported in Maharashtra, followed by Karnataka, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, and MP. तो आप देखिए, इसमें example view से क्या important है? कुछ नहीं, बस data. कहीं भी आपको डेटा पढ़ रहा है या कोई एग्ज़ाम में डेटा पूछ रहा है, और एग्ज़ाम तो अलग है, थोड़ा सा कहाँ आपकी कंट्री जा रही है, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न आपको ये भी पता होना चाहिए. तो देखिए, साइबर क्राइम जो है, क्राइम ये जो है अप बाय 25%. पिछले साल अगर 2021 में 100 क्राइम्स हुए, 2022 में 125 क्राइम्स हुए. ठीक है, सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट आगे? तेलंगाना, ये हमने देखा, तेलंगाना सबसे ज्यादा आगे है. देखिए, तेलंगाना द लिस्ट, कर्नाटका, यूपी. तो तेलंगाना, ये जस्ट अ सेकंड, तेलंगाना, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, तो ये तो लिस्ट हो गया आपका. ठीक है, और एनसीआरबी का डेटा बुक है, ये कौन सा रिपोर्ट है उसका,
क्राइम इन इंडिया। उसके बाद से आप देखिए क्राइम रेट क्या है। क्राइम रेट क्या है आपका, 3.9 से इंक्रीज हो गया है 4.8। तो ये है 2021 में, ये 2022 में, ठीक है। और आप देखिए ये ठीक है पॉपुलेशन। अब आगे देखिए मिड ईयर प्रोजेक्शन, ये है ठीक है। अब ये बस इतना देखिए के अगेंस्ट क्राइम 3.9% बढ़ गया, चिल्ड्रन के अगेंस्ट 8.7% बढ़ गया, एल्डर मतलब सीनियर सिटीजन के अगेंस्ट इतना बढ़ गया, करंटली बाय ऑफ केसेस क्या है, हस्बैंड और इज रिलेटिव इतना, किडनैपिंग इतना, रेप इतना। और ये आप देखिए यूपी मोस्ट रिकॉर्ड मोस्ट केसेस, तो यूपी में सबसे ज्यादा हुए हैं। एस सी एस टी करप्शन ऑफेंस स्टेट मर्डर, ये सारे डेटा दिए हुए हैं। डेटा जितने याद रहे उतना, पर जितनी बेसिक चीज़ें थी उतनी तो याद रहनी चाहिए। और आप देखिए 2022 में इतने डेटा थे और 2021 में आपके अभी जो उसमें लेटेस्ट इतने हैं और प्रीवियस ईयर में इतने थे। तो मतलब मानिए 53K से जंप हुआ है आपका 66K, अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ, 2021 में 2022 में। साइबर क्राइम अगेंस्ट वूमेन इतना, तो हाँ ये वाला हो गया साइबर क्राइम अगेंस्ट इतना हो गया, अकाउंटेड फॉर इतना, साइबर क्राइम इतना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है। तो बस इस आर्टिकल में इतना ही हो था। थैंक यू गाइस, प्लीज वर्क हार्ड, साइबर क्राइम से बच के रहिए, और जो आरबीआई कहता है मान के चलिए तो साइबर क्राइम्स नहीं होंगे। ओटीपी वगैरह शेयर मत करिए, मीन्स प्लीज रीयूज योर वॉइस। और क्या है कि आप लोगों को अगर मन करता है आप लोग कई बार मत जाइए, आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बाहर गंदगी है ना, आपका गली में ढेर सारे जंगली वाइल्ड डॉग्स है, स्ट्रीट डॉग्स है, और आप भी छोटा सा आप अपने लिए पेट डॉग खरीद के लाया, क्या आप उनके बीच में छोड़ो? और यही बात है, उसके बीच में छोड़ोगे तो वो लोग इसको काट। तो ऐसा नहीं है कि आप लोगों के ऊपर आपके पेरेंट्स या आपके भाई कोई रिस्ट्रिक्शन लगाता है, इट्स जस्ट कि माहौल अच्छा नहीं है, दैट्स इट। थैंक यू गाइज, प्लीज वर्क ऑन ऑल योर ड्रीम्स।